एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फैब ब्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं गवार की सब्ज़ी, गवार आलू की सब्ज़ी, जिसमें हम आलू भी ऐड करेंगे। ये मैंने गवार ली है हरी वाली, जिसे मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। इन द सेंस आपको हाथ से काटना है, छुरी से नहीं काटना, वो कड़वी हो जाती है। और छोटी वाली गवार आती है ग्रीन कलर की, वो वाली लेनी है। ये मैंने सारे मसाले रखे हैं, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी शक्कर, अमचूर, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। इसमें से थोड़ा हैंडफुल मैंने गार्लिक लिया है, लहसुन लिया है, दो टमाटर लिए हैं और उसमें हरी मिर्ची मैंने काटी है। और ये आलू है मीडियम साइज़ के दो, जिसको मैंने काटा है छोटे वाले। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये लहसुन है, ये लहसुन में हम थोड़ा सा टमाटर, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने ये सारे मसाले को कूट लिया है। इसमें हमने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर और शक्कर डाल के ये मसाले को हमने ऐसे थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, जिसमें टमाटर, लहसुन सब। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब ये तेल में हम ये सारे जो कूटे हुए मसाले हैं वो हम डाल देंगे। सिर्फ 2 मिनट अच्छे से कुक किया है, मतलब भूना है, हमें ज्यादा नहीं भूनना है इसे। थोड़ी सी सौंधी खुशबू आने लग जाए लहसुन की, बस तब तक हमें कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गवार। इसमें ऐड करेंगे आलू। थोड़ी देर अच्छे से हम भूनेंगे। गवार की सब्जी को हमने 2 मिनट अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें हम जरा सा पानी डालेंगे और 2 से 3 सीटी आने तक की स्लो गैस पर रखेंगे। हमने ऐड किया थोड़ा सा पानी। हमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये हमारी सूखी सब्जी बनेगी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक की कुक कर लेंगे, विसल आने तक की। हमारी गवार की सब्जी बनके रेडी है। अगर आपके पास कुकर ना हो तो आप इसे पैन में भी 10 से 15 मिनट्स तक कुक कर सकते हैं, जब तक कि ये गवार ऐसे नॉर्मल सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ऐसे सॉफ्ट ना हो जाए तब तक ये गवार को आप कुक करें। अभी हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे गैस पे। ये सारे मसाले अच्छे से, ये देखिए तेल छोड़ दिया है, कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। ये हमारी गवार की सब्जी बनके रेडी है। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं।